हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। और आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं आई हूँ आज अपनी फेवरेट जगह जिसका नाम है चटोरी गली। और इसकी जब से मुझे शुएब ने बताया कि आज मैं तुम्हें वहाँ लेके चल रहा हूँ, मुझे तो तब से उदासी नहीं हो रही कि मैं कैसे आऊँ और कैसे तुम टेस्टी टेस्टी खाना खाऊँ और आप सबको उस चीज़ों से रूबरू कराऊँ। तो बस चलते हैं, आपको हम ये दिखाते हैं कि चटोरी गली में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं, क्योंकि ये चटोरी गली है तो जाहिर सी बात है मुझे तो आना ही था क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी चटोरी इंसान हूँ। और जब मैं आपको दिखाऊंगा ना चटोरी गली, तो आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि वाकई में सच में चटोरी गली है, लखनऊ की बहुत फेमस जगह। और ये देखिए हमारे पीछे बैक साइड में चटोरी गली, तो चलिए आपको भी दिखाते चटोरी गली का और हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद खाने के लिए फटाफट चूज करते हैं क्या क्या हमें खाना है, ठीक है। We are talking about bhel puris and naan corn bhutta and rangila chai quality balls and this is kala khatta and now there is golgappa and dosa and dali soya chaap and the biggest dosa and the dali wale so chaap chutney wali baat nahi bata raha khata hu it is fat and the dirt is sabse best quality milega bhai chai bhi ban rakhenge coffee milega And all cheese, bun, makhan, and all is fast food. इसको जो बनाने का तरीका है ना, ऐसे राउंड करके भैया कट कर रहे हैं और अभी देखते हैं क्या होता है आगे प्रोसेस इसका। ये पहली बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके जो बनाने का तरीका है ना वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि भैया ने इससे इसको कट कर दिया। ये देखो कितना अच्छा ये लुक आ गया, ये देखिए कितना सही काटा है। अब इसको देखते हैं ना कैसे बने, उसके बाद ये नेक्स्ट फ्राई होगा। और ये हो गया मसाले में डिप। तो ये आ गया हमारा पटेटो पैरी पैरी, जो कि अब अनम ट्राई करने जा रही है सबसे पहले। और इसमें जो पड़े हैं ये सारे मिक्स फ्लेवर हैं, कई फ्लेवर्स इसमें पड़े हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया कई कई, तो इसलिए तोड़ तोड़ के इसको खाना पड़ेगा।
और ये मैंने पेरी पेरी डिप करा और मैं भी ट्राई करता हूँ। मतलब मैं इसको बार बार खाना चाहूँगी, बहुत प्यारा। अब इसके लिए आप, तो ये हो गया फिनिश, अनम ने पूरा कर दिया इसको फिनिश और ये हो गई अनम की प्लेट खाली। आप सब भी आओ जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा ही है। तो ये है हमारे कुरकुरे मोमोज जो कि वाकई में बहुत कुरकुरे हैं और इसको तोड़ के देखते हैं इसमें है क्या। और ये वेज मोमोज है, काफ़ी ज़्यादा वेजिस से लोडेड है और ये करते हैं डिप में और इसके बाद करते हैं इसको ट्राई। कैसा लगा? अबे शोएब की बारी, बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स टू हॉट, हॉट के साथ मज़ेदार। तो इतना सब खाने के बाद हमें कुछ पीना ज़रूरी था तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे फिर जो हमने ऑर्डर करा है वो हमने करा है मोजिटो मिंट शिकंजी और कैसा लगा? ताजगी महसूस हुई? पीते पीते आ गए इधर शावरमा की दुकान पे और ये अनम अभी अपनी फिनिश कर रही है, जब तक हमने दे दिया है शावरमे का ऑर्डर और इधर हमारा शावरमा रेडी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा शावरमा रेडी और इसको अब करा जा रहा है ओपन और ऊपर से मुझे दिख रहा है लजीज चिकन। जल्दी पहली बार टेस्ट करने जा रही हूँ शावरमा, अब है शोएब की बारी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मेरा पेट इतना फुल हो चुका है लेकिन मैं मन नहीं भरा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सारा चीज़ें यहाँ सारी जितनी भी हैं सब ट्राई कर लूँ। बड़ा बाइट, ऑसम, बहुत लजीज है, बहुत अच्छा। और ये मैं और अपनी सेकंड बड़ी बिग बाइट, और ये चीज़ से लोडेड है, ये देखिए चिकन लोडेड। मज़ा आ गया, मुझे भी बहुत मज़ा आ गया, आपने मुझे ला करके यहाँ दिल खुश कर दिया। चले फिर फटाफट ख़त्म करते हैं। हम लोग ने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ट्राई करी और काफ़ी चीज़ें हमें अच्छी भी लगी। फिर हमने लास्ट में एक अपना पोटैटो जो था
स्प्रिंग वाला पटेटो वो हमने पैक कराया क्योंकि वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने सोचा लौटते क्यों ना हम इसे भी पैक कराते हैं, और अगर घर पे भूख लगी तो हम उसे भी ट्राई करूँगी। और जो कि अनम ने पैक कराया, बट इसे हर बार की तरह मैं हमेशा से छीन के खा लेता हूँ, वैसे मैं खाऊँगा। और इस जो चटोरी गली जहाँ हम आए थे, यहाँ पर पता है एक से एक डिशेज थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, और हम लोग से जितना हो सका हम लोग ने उतना ट्राई करा। और नेक्स्ट टाइम हम लोग पक्का यहाँ पर आएँगे, फिर हम लोग और भी जो वेराइटीज़ जो बची हुई वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है और हम लोग ऑलमोस्ट पेट काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। और जो हमने पैक कराया वो भी अनम दिखाइए, अभी आपको उसके हाथ में ये देखिए, इसको जो जिस तरह पैक करा है ना वो देखिए, मज़ा आ गया, मतलब किस तरह उसने पैक करा है। तो ये थी चटोरी गली, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं। और जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है अगर वो भी आके यहाँ ट्राई करें चटोरी गली में, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं डिफरेंट टाइप से, और यहाँ जिस तरह सर्व करते हैं, सर्व करने का तरीका बहुत अलग है यहाँ पर चटोरी गली का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग इस तरह बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।